आप देख रहे हैं आपका बाजार, दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बातचीत की एचडीएफसी बैंक में जोरदार तेजी की और इस तेजी के पीछे की वजह भी आपको डिम्पी ने बताई। गौरांग, आपसे जानना चाहेंगे अब इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय है दोनों ही ट्विन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी पर? देखिए साक्षी, एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन मैंने किया है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, और मेरे ख्याल से मैं डिम्पी से भी बात कर रहा था और मीर से भी बात कर रहा था। तो पहला तो एक टेस्ट मैच होता है जिसका तीन फॉर्मेट होता है, एक है 2020, दूसरा है वनडे यानी कि 50 ओवर्स, और तीसरा होता है 5 डे टेस्ट मैच। तो 5 डे टेस्ट मैच में दो बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं हमारी टीम में, एक है द्राविड़ और दूसरा है वीरेंद्र सहवाग, और मैं ये तुलना दोनों की एचडीएफसी बैंक की और एचडीएफसी लिमिटेड की करता हूँ इन दोनों से, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टेडी प्लेयर होते हैं और साल दर साल एक बेहतरीन इजाफे ये करते जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। और अगर आप इतिहास भी देख लें तो किसी भी लंबी अवधि के नज़रिए से निवेशक को इन दोनों ही जुड़वा भाइयों ने निराश नहीं किया है। एज अ डिस्क्लोजर जी, चलिए, तो आपको राय एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में दी गई और अभी भी इंटैक्ट जो मूव है वो आगे रह सकता है। चलिए, इसके अलावा कोल इंडिया से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। कोल इंडिया के सीएमडी सुतीर्था भट्टाचार्य ने कहा कि कोल गैसिफिकेशन के लिए क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लाएंगे, और उन्होंने झारखंड इन्वेस्टर्स समिट में हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से भी बातचीत की। आपको सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, झारखंड इन्वेस्टर समिट है, फर्स्ट इन्वेस्टर समिट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं खासकर कोल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें? झारखंड बहुत प्रगतिशील स्टेट है अभी, अब हर इंडेक्स देखिए उसमें झारखंड भारत देश में टॉप में आ रहा है। आप जानते हैं ये बहुत पहले मिनरल पॉलिसी होता था, ये मिनरल डिस्पैच ऑफ मिनरल, एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल। आज आप सुने होंगे झारखंड स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मिनरल इकोनॉमी, जो कोल इंडिया का भी फिलोसॉफी है। तो हम लोग चाहेंगे ये कन्वर्जन कोयला का इधर ही हो, मोर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो जो हम करेंगे, इकोलॉजिकली कंपैटिबल टेक्नोलॉजी आए जो हम लोग लाएंगे, एंड क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, जो कोल गैसिफिकेशन हो सकता है, कोल लिक्विफैक्शन हो सकता है, जो BCCL कोयला में संभव है, वो भी हम लोग इधर करके दिखाएंगे। इसीलिए CMPDL कुछ काम चल रहा है, हमको अभी पूरा बोलना उचित नहीं है, बट बहुत जल्दी क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में कोल इंडिया का इनिशिएटिव आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही अगर इन्फोसिस की बात करें तो वॉर एट इन्फोसिस को मैनेजमेंट ने काफी डाउन प्ले किया, लेकिन सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने आज जब पहली बार इन्फोसिस मामले पर सेबी का भी पक्ष रखा है। एक सवाल के जवाब में यूके सिन्हा ने कहा कि सेबी के पास पहुंची हर शिकायत की पूरी जांच होगी और जांच में गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी होगी। एनी इनपुट दैट सेबी रिसीव्स फ्रॉम एनी सोर्स दैट इज टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। SEBI does not believe that just because some allegation has been made, it is true. We have to apply our mind, follow a due process of checking. All I can assure you is that after checking, after investigation, we come to a finding that something wrong has happened, they will not be spared. Howsoever big or small they are, they will not be spared. चलिए, इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग आपका हमारे साथ इस एडिशन में मौजूद रहने के लिए। माना साहब का भी शुक्रिया हमारे साथ इस शो में मौजूद रहने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।